अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे मित्र और आगंतुक, कुछ बुद्धिजीवी और विशेषकर हमारे डॉक्टर राजपाल जी, साथियों, आज जैसे कि जय बाबा साहब का 127वां हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आप देखते होंगे कि हम अपने घरों के अंदर जब एक भागवत कराते हैं और भागवत में लोगों को जो है आमंत्रित करते हैं, उस भागवत में सिर्फ यही होता है कि हमने भगवान की चर्चा करनी है और उस भगवान को जिसको हमने देखा नहीं है उसके हम क्रियाकलापों की हम चर्चा करते हैं, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर वो विभूति हैं जिनका साक्षात प्रमाण है, साक्षात किताबें उनके हाथ की लिखी हुई हैं, और हमारे डॉक्टर राजपाल जिनको मैं कहूंगा कि जैसे एक पुरोहित को बिठाकर उनके प्रवचन के लिए हम आमंत्रित करते हैं लाखों लाखों रुपए देकर कि आओ आप हमारे भागवत के अंदर जाए उनका प्रवचन करो, मैं डॉक्टर राजपाल को भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने इस विभूति के बारे में इतने विस्तार से लोगों को बताया। ये आदित्य है, अविस्मरणीय है। शायद लोग बोर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन साथियों जिस तरह का वातावरण यहां होना चाहिए था नहीं है, लेकिन राजपाल जैसे लोग जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके रखते हैं बाबा साहब के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं सर को कोटि कोटि नमन करते हुए ज्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों इस जाति को जो भेदभाव को फैलाया जा रहा है, त्रुटियां फैलाई जा रही हैं, ये हम और आप लोगों को मिलकर ही इसको मिटाना है। और मिटाना भी कैसे है, उस भाईचारे को बढ़ाना है जो आज पॉलिटिकल इश्यूज बनाकर सब चीजें जो है भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, आपस में लड़वाया जाता है। हमें इन छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा और समझ के ये सोचना पड़ेगा कि जो एक वंचित समाज 5000 सालों से अगर जो है वंचित था और बाबा साहब ने उसका अगर पक्ष लिया तो बाबा साहब उस वर्ग के नहीं हो गए। बाबा साहब तो वो विभूति थे कि उन्होंने उस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए उसको जो है उस वंचित और उस पिछड़े वर्ग का मान लिया गया। नहीं तो वो पिछड़े वर्ग के होने के बावजूद जिस तरह की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो बहुत ऊंचे थे। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को भी वो मोटिवेशन दें कि हम उस साहस से, उस बोधिसत्व बाबा साहब से प्रेरणा लें कि हम अपने बच्चों को उस तरह के मार्ग पर डाल सकें। धन्यवाद साथियों।